एक मनुष्य का वजन कब बढ़ता है? कौन सा शहर है जो कि बहुत जल्दी जनसंख्या फैलाया? कौन सा जीव भूखे होने पर अपने आप खा लेता है? सुअर को अगर मार रहे हैं आप तो आपको क्या होगा? वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। गाइस, कौन सा शहर है जो कि सबसे, यानी कि दुनिया में सबसे पहले उसका जनसंख्या क्रॉस किया था, यानी कि 10 लाख जनसंख्या बहुत जल्दी क्रॉस कर गया था, जो कि बाकी देशों ने, बाकी शहरों ने नहीं किया था, जो कि उसका क्या नाम है? आप चार सेक्शन लिखे, मैं बताता हूँ कि रोम, रोम शहर है जो कि 10 लाख जनसंख्या को बहुत स्पीड में पार कर गया था, जो कि बाकी देशों ने इसको पार करने में बहुत अधिक समय लगा दिए, रोम शहर बहुत जल्दी पार कर गया था। कौन सा खिलाड़ी, यानी कि जो फिल्म शूटिंग करता है, हीरो जिसे कहा जाता है, उसका जब फिल्म शूटिंग किया जाता था वह इतना फास्ट में काम करता था कि उसको फिल्म को रिकॉर्डिंग करने के बाद उसे स्लो मोशन किया जाता था, उसके बाद वायरल किया जाता था, उस यानी कि हीरो का क्या नाम है? ब्रूसली। ब्रूसली जब फिल्म शूटिंग करता था उस समय उसके फिल्म को रिकॉर्डिंग करके, उसके स्लो मोशन को करके, उसके बाद फिल्म को शूटिंग यानी कि पूर्ण रूप से वायरल किया जाता था। गाइस, जो टाइटैनिक प्लेन बना हुआ था, वह प्लेन बनने के बाद वह यानी कि जस्ट ही भस्म हो गया, खत्म हो चुका था। उस फिल्म को बनाने में बहुत अधिक खर्च भी आए थे, जो का टाइटैनिक जहाज का 269 मीटर था, जो कि आज कहा जाता है, आज के जमाने में अगर टाइटैनिक प्लेन को खड़ा कर दिया जाए, यानी कि जो चल रहा है और उसे खड़ा कर दिया जाए तो कितना होगा? आज भी बड़े बड़े इमारतों के बराबर, यानी कि उससे अधिक ऊंचे भी हो सकते हैं यहाँ भारत का। गाइस, क्या आप लोगों का, हम लोगों का जो वजन होता है वो एक ही समान रहता है, यानी कि एक दिन के अंतर्गत क्या एक ही समान रहता है? आप लोग का थोड़ा सा बढ़ता होगा, लेकिन नहीं, एक समय आता है जहाँ पर वह कम होता है, यानी कि आपका शरीर, यानी जो चंद्रमा होता है, वह चंद्रमा ठीक अगर आपके सामने, यानी कि सर के सामने ऊपर है, तो आपका जो है यानी कि वजन कम हो जाएगा। यहाँ आप एक बार अनुमान लगा सकते हैं, टाइटैनिक जहाज था जिसमें चिमनी था, यानी कि 4 से 5 प्रकार के चिमनियां था, लेकिन जो चिमनी यानी कि कितने प्रकार के, कितने विशाल उसमें चिमनी था कि उसमें कितने ट्रेन जा सकते हैं, मेरे अंदाज से जो कि रिसर्च किए हुए हैं, जो कि उसमें 2 ट्रेन का पूर्ण रूप से यानी कि आवागमन कर सकते हैं, जो कि एक टाइटैनिक जहाज में है, जो उसको बनाने में, फिल्म बनाने में बहुत अधिक खर्च हुआ, जो कि टाइटैनिक को बनाने में कम खर्च और फिल्म को बनाने में बहुत अधिक खर्च। गाइस, ऐसा पता चला है जो कि जो व्यक्ति दाएं हाथ से लिखते हैं, जो व्यक्ति बाएं हाथ से लिखते हैं, और जो जीवन काल राइट यानी कि दाहिने हाथ से लिखने वाले का और बाएं हाथ से लिखने वाले का जीवन काल क्या समान होता है? ऐसा तो नहीं है, आप एक बार इसको गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो कि व्यक्ति बाएं हाथ से लिखते हैं उनका जीवन काल 9 वर्ष दाहिने हाथ से लिखने वाले व्यक्तियों से कम होता है। आप इसे गूगल पर सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिखे कि यहाँ कितना। गाइज, जैसे कि आपको भोजन खाना है, आपको बहुत अधिक से भूख लग गए हैं, लेकिन आप अपने आप शरीर को तो खा नहीं सकते हैं। जैसे कि मुझे भूख लगा, मैं अपने हाथों को पूर्ण रूप से खाया जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा जीव कीड़े है, जो कीड़े विभिन्न प्रकार के, कुछ कीड़े हैं जिसको भूख लगने के बाद वो अपने भूख को बर्दाश्त नहीं करने के कारण वो अपने आप को निकल लेते हैं, यानी कि खा लेते हैं, जैसे कि पैर को, हाथ को खा जाते हैं। गाय, जैसे कि हमारे देशों में कहते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी को अगर मार दे रहे हैं, यानी कि उसको मृत कर दे रहे हैं, तो आपको सजा होगा, लेकिन फ्रांस में जो कि सुअर है, जो कि अगर उसे मार दे रहे हैं तो आपको क्या होगा? वहां पर नियम है कि अगर आप सुअरों को यानी कि पूर्ण रूप से खत्म कर दे रहे हैं, मृत दे सकते हैं, देते हैं, तो आपको मृत यानी कि मार दिया जाएगा। कैसे मार जाएगा? फांसी, सजा ही नहीं बल्कि फांसी दिया जाएगा आपको, फांसी पर लटका खत्म कर दिया जाएगा सुअरों की तरह, जो कि बाद में बदल दिया गया, 1386 के यह नियम था, जो कि मार दिया जाएगा, बाद में उसको बदल कर चेंज कर दिया। गाइस, आप लोगों, हम लोगों को पढ़ाया गया है कि मनुष्य का जो हड्डी होता है 206, जो कि 10 साल के बाद वह 206 के रूप में बदलने लगता है, 10 साल के पहले जो होता है वह 208 के करीब रहता है। अगर जो बच्चे जन्म लेते हैं, यानी कि जन्म लेते हैं समय उनका हड्डियां कितना होता है? आप लोग कहेंगे बहुत कम ही होगा, लेकिन नहीं, सबसे अधिक 19 का हड्डी होता है, 300 हड्डी होता है, जो कि बहुत ही कम समय में वह बदल कर 208 यानी कि हड्डियों के रूप धर लेता है, वो जल्दी आपस में सड़ जाते हैं। गाइस, कहा जाता है कि अगर जो चमगादड़ है, वह चमगादड़ यानी कि जिसे गांव देहात में कहा जाता है कि बहादुर, वह स्वयं चमगादड़ 1 वर्ष में यानी कि 1 वर्ष में कितने खून पी जाते हैं?
यहाँ चौंकने वाला बात है, शौक चमगादड़ कितने पियेंगे, वही 1-2 लीटर पियेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत अधिक मात्रा पीते हैं। एक वर्ष में वह 25 गाय का जितना खून अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं, पूर्ण खून उनका, वह एक वर्ष में 100 चमगादड़ पीते हैं खून को, बहुत अधिक मात्रा में। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।